गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग गाड़ी का काम आज अपने मतलब जो 4x4 का काम तो कंप्लीट हो चुका है और हमने उसको टेस्टिंग वेस्टिंग की वीडियो भी हमने सब डाल दिए थे, आपको देखे होंगे। स्टेप बाय स्टेप हमारा सारा हमने काम कंप्लीट किया और एक मिनट भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे जैसे काम करते रहे वैसे वैसे हम आपको बताते रहे सारा काम। अभी हम लोग गाड़ी का काम मैकेनिक काम तो सब कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग इसके अंदर डेंटिंग का काम, गाड़ी में थोड़ा बहुत डेंट है और जो भी गाड़ी का कलर से पहले जो फिर गाड़ी खुलाई होगी फिर वापस फिटिंग भी होगी, उसका लिए हम लोग डेंटिंग वाले हैं निसार भाई के हम पास में आए और जो पूरा इस गाड़ी को पहले डेंट निकालेंगे, गाड़ी के जो जो मोच है कुछ बैंड वैंड है उसे ही करेंगे जो कलर से पहले का प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर वो करने के बाद में फिर इसके अंदर काली पेंट में जाएगी, तो अभी कुछ दिन यहाँ लगेंगे तो गाड़ी को जो भी डेंट वेंट निकालेंगे उसमें टाइम लगेगा। जो ये काम करेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। जो आपको गाड़ी पे वर्क करते दिखाई दे रहे हैं इनको अच्छा नॉलेज है, पुराने हमने स्टार देके जान पूछताछ करके फिर हमने फाइनल इनका करा कि गाड़ी पे ये काम करेंगे। ये निसार भाई के यहाँ पे एक विंटेज गाड़ी पड़ी है, तो 1900 की गाड़ी है जो पीछे पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत साल पुरानी है। इनके पास वर्क के लिए आई हुई है और इनकी किसी फ्रेंड की है, इसका काम चल रहा है अभी लेकिन कोई सामान नहीं मिलने के कारण अभी काम रुका हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी कैसे, ये वो गाड़ी है, ये इसका इंजन है, इसके अंदर इन्होंने अभी कबाड़ा भर रखा है। अच्छा दादा, कितना टाइम हो गया वो काम करते हुए? 40-45 साल हो गए। निसार भाई को ये काम करते 40-45 साल हो गए हैं, इनको बहुत अच्छा नॉलेज है। मैंने चार जगह पता करके फाइनल इन्हीं का करा, जो मेरे को जानते जानते उनके थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ। ये गाड़ी इन्हीं की है, ये आप देखो 1900 मॉडल, आज से कम ये हो गई है कितने साल पुरानी, 122 साल पुरानी गाड़ी है ये। इसका ये इंजन है, इस गाड़ी का काम चल रहा है प्रोसेस में है लेकिन क्या पार्ट्स नहीं मिलने की वजह से काम रुका हुआ है। ये जोधपुर में सिर्फ 3 गाड़ी हैं, सब ओल्ड। % काम कल हो चुका था, तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर 50% पीछे का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका था, जो भी डेंट वेंट करना था, जो भी खोला खाली करनी थी, बाद आगे की जो भी सामान खोला खाली करने हैं, अंदर के सामान गेट वेट से जो प्लास्टिक आइटम खुलने हैं वो खुलेंगे और पीछे भी साइड के पायदान है, ये जो फुटरेस्ट होता है डेंट वेंट है तो उसका रिपेयर करने के लिए उसको कर रहे हैं। और अच्छा आगे जो बैंड है डेंट है उसको डेंट निकाल रहे हैं। बम्पर वम्पर है जो भी लाइटें वाइटें खोलनी है, अंदर का सामान खोलेंगे। आगे के बम्पर के अंदर प्लास्टिक वेल्ड कराना है, जो मैं अभी गाड़ी खोल के और मेरे दोस्त जो रईस खान जी हैं वो आएंगे, उनके साथ मैं लेके जाऊंगा बाइक को, हम लोग जाएंगे इसको वेल्ड करा के लाएंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज हो गया है, बाकी पूरा सही है, थोड़ा सा यहाँ पे डेंट हो गया जिसको करा के लेके आना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज डेंटिंग का जो काम कम्प्लीट हो जाएगा, खुलाई वुलाई का डेंटिंग का तो कल हो गया था, थोड़ा बहुत बाकी है डेंटिंग का काम और जो सामान खुला खाली करना है सारा सामान आज खुल जाएगा, तो शायद कल नहीं तो फिर परसों से जानी ही जाए गाड़ी यहाँ से कलर के अंदर, या तो उम्मीद है आज हो जाए।
आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर कल से जाएगा मामला। वो अंदर की सीटें बेटे खोल दी है भाई, अंदर की सीटें खोल रहा है, अंदर से भी कंप्लीट ढंग से कलर करवाएंगे, जो भी है कलर का ज़्यादा पॉसिबल होगा वहाँ कलर होगा, कोई चीज़ नहीं छोड़नी इस बार। पिछली बार हमने जो गाड़ी की थी उसके अंदर का नहीं खोली थी सीटें बीटें, ढंग से नहीं किया था, पीछे का भी बहुत अलग तरीके से हम लोग कलर कराने वाले गाड़ी में। डेंटिंग का काम आज लमसम कंप्लीट हो चुका है, दो तीन दिन से चल रहा था, कल कुछ वजह से दूसरी गाड़ी आ गई थी अपना काम नहीं हो पाया और लमसम कंप्लीट हो गया। पीछे इस बार अपन हुड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हुड के लिए पीछे स्टैंड बनाना पड़ेगा जो फोल्डेबल है पूरा, कुछ फिक्स नहीं रहेगा कि अपन हुड लगा के रखेंगे, उसको लगा भी दिया हटा भी दिया, और स्टैंड पूरा अपनी गाड़ी के साथ ऐसा फिट रहेगा कि जब चाहो जब लगा दो जब चाहो हटा दो, ऐसा नहीं है कि उसको अपन घर पर बैठा के रखेंगे और जब यूज़ होना हो तब उसको लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। एनी टाइम गाड़ी का तो पीछे हुड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पैक भी हो जाएगा और ऊपर टोपी टाइप भी रहेगा, कहीं जाना है अपन को तो उसको टोपी बना ली नीचे बैठ गए, और उस हुड को अपन पूरा समेट के सीट के पीछे रखेंगे, एनी टाइम साथ में रहेगा। उसका जो पाइप है वो उसके जो छोटे वाली पाइप है वो रहेंगे सीट के नीचे, और जो बड़ा वाला मेन पाइप है हुड के पीछे का जो हम लोग अभी बना रहे हैं आपको दिखाएंगे वो रहेगा उसके ट्रोली के जस्ट पीछे, ऐसा फिट करेंगे कि वो कहीं इसको दिक्कत नहीं आएगी और अपने गाड़ी साथ एनी टाइम रहेगा। मैं दिखाता हूँ आपको जो पीछे हुड का जो प्रोसेस चल रहा है, अभी इसके माथापोड़ी कर रहे हैं हम लोग, आज हो जाएगा लमसम और आपको फिर वीडियो दिखाता हूँ।